एक बड़ी खबर गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत से। सूरत में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जीआईडीसी में स्थित फैक्ट्री में आग के बाद कई धमाके भी हुए। इस आग में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। सूरत महानगर पालिका और अन्य औद्योगिक इलाकों से दर्जनों दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आग से आसपास की कई फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग फिलहाल काबू में है। कई मजदूर जो उस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मौजूद थे, उनके झुलसने की भी खबर है। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। अभी भी कई मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आग के बाद केमिकल फैक्ट्री में कई धमाके भी सुनाई दिए और आसपास के इलाके में भी नुकसान की खबर है। तो एक तरफ सूरत से ये खबर आई तो साथ ही असम से भी खबर आई अग्निकांड से जुड़ी। असम के कचार में सड़क पर दौड़ते ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसा रानीघाट के पास हुआ। ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर ने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने ट्रक में लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक खाक हो चुका था।